सो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार मैं एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ जो कि बहुत यूनिक ट्रिक है, लेकिन वो सिर्फ नूब बंदों के लिए है जिन्हें ज़्यादा खेलना नहीं आता। मैं इस ट्रिक को डेली यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं नूब नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, मैं डेली यूज़ करता हूँ। इस सामने इस घर में एक बंदा है जिसके पास AWM और ATAX है, और आपको पता होगा कि ATAX और AWM की रेंज जो होती है वो 300 मीटर की होती है। तो हम सबसे पहले तो इस घर में निशान लगा लेते हैं कि ये कितनी दूर घर है। ये 44 मीटर दूर है, मतलब 44 मीटर दूर है हमसे। अब आप ये सोच रहे हो कि यार इसने मार्क क्यों लगाया घर में। भाई मार्क मैंने इसलिए लगाया है ताकि पता चल सके कि कितनी दूर भाग चुके हैं हम इस घर से, क्योंकि 300 मीटर दूर भागना है हमको इस घर से। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि 300 मीटर दूर क्यों भागना है। भाई मैं नूब ट्रिक बता रहा हूँ, नूब बंदों के लिए जिन्हें खेलना नहीं आता। अब घुस के तो इसको मार सकते नहीं तुम घर में, ठीक है, भागना ही पड़ेगा दूर घर से। तो जरा हम रुक कर देख लेते हैं कि कितनी दूर आ गए हम उस घर से। तो 243 मीटर दूर आ चुके हैं हम घर से, थोड़ा और भागना पड़ेगा हमको। मतलब ये है कि पूरा 300 मीटर भी नहीं होना चाहिए, 300 मीटर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 300 मीटर तो रेंज होती है। तो हम अब 338 मीटर दूर आ चुके हैं उस घर से, अब हमें वो बंदा नहीं मार सकता बिल्कुल भी। वैसे वो बंदा नहीं आपको मार सकता, कोई और तो मार सकता है। और वैसे मैंने AWM से बचने की ट्रिक आपको बताई है, और इसने मुझे UG से मारा है। मैं आपको जल्द बता दूंगा UG से बचने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि UG वाले से भी हमें दूर ही भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं नूब ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको। UG वालों को भी नहीं मार सकते नूब बंदे, तो वैसे मारा तो मैंने भी नहीं उसको। तो एक और ट्रिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूसरों का ड्रॉप कैसे लूटना है, ठीक है। और ये इस ट्रिक का मैं सलाह ज़्यादा है, सलाह दूंगा इसमें मैं आपको। तो प्रो बंदे दूसरों का ड्रॉप कैसे लूटेंगे, ठीक है। वैसे यार प्रो बंदों को पता होगा कि दूसरे का ड्रॉप कैसे लूटना है, ठीक है। और या तो दूर से स्नाइपिंग करनी है या एकदम से अटैक कर देना है, पता ही होता है प्रो बंदों को तो। लेकिन नूब बंदे कैसे लूटें, नूब बंदों को मैं बोलना चाहता हूँ, भाई तुम्हारे पास जितना सामान है तुम उसी में खुश रहो, क्योंकि तुमसे ये भी ले लिया जाएगा जो तुम्हारे पास सामान है। इसलिए ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो, जितना है उसी में खुश रहो। तो बस इतना कहना था, तो हम अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मेरे पास जितना सामान है मैं उसी में खुश हूँ। तो यार एक और ट्रिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक होने वाली है। जैसे कि आप जोर्जपुर से सामान लूट कर आए हैं और आपके पीछे दो बंदे पड़ गए, तो आपको सबसे पहले यहाँ से नेड करना है। जैसे कि एक बंदा सबसे आगे होगा तो वो नॉक हो जाएगा, तो दूसरा बंदा उसको रिवाइव कर रहा होगा, तो आपको यहाँ से जंप करके खिड़की से जाना है और पीछे से, मतलब आप कुछ और भी कर सकते हो। मान लो जैसे वो नॉक हो गया तो वो दूसरा बंदा उसको रिवाइव करने लगेगा, आप पीछे से छत से छलांग मार के दूसरी साइड चले जाना और आप भाग जाना, ठीक है। वो उसको रिवाइव करता रह जाएगा, आप भाग जाना, ये भी आप कर सकते हो।